एडवेंचर के बिना जिंदगी काफी बोरिंग है। वैसे इस बोरिंग को एडवेंचरस बनाने के लिए हम निकल पड़े हैं अपने घरों से पहाड़ों की ओर और इस सफर में मेरा साथ देंगे दो दोस्त। ये हैं यतिन। यतिन है मेरे बचपन का दोस्त और ये भी मेरी तरह पागल है ट्रैवल को लेके। और ये है नितेश्वर, जिसे हम सस्ता जाकिर खान भी बोलते हैं। नितेश्वर को तो आपने पिछले ट्रिप में देखा ही होगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हम अपनी एडवेंचरस जर्नी। सो चलिए फिर चलते हैं। इस सफर की शुरुआत हुई जम्मू से। जम्मू से निकलकर हम पहुंचे गुड़गांव और वहां पे 4-5 घंटे की रेस्ट के बाद हम निकल पड़े आगे नैनीताल की तरफ। रास्ते में हमें कई छोटे मोटे ढाबे मिले जहां हम रुकते गए, खाते गए और चलते गए। नैनीताल का रास्ता काफी एडवेंचरस था। वो ऐसे कि आपको रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं दिखेगी, आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी हॉरर मूवी के अंदर हैं। बहुत अलग फील थी वो। आगे रास्ते पे हमने छोटा सा हॉल्ट लिया एक छोटे से कैफे में जिसका नाम है चसेड़ी। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, पेट पूजा की और आगे निकले क्योंकि यहाँ नैनीताल में बहुत जल्दी शॉप्स वगैरह बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, इसलिए यहाँ से हम खा के खाना आगे को निकले। Hi guys, good morning from नैनीताल। अभी जो है मैं नैनीताल में पहुंच चुकी हूँ। हमारा जर्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। हम आए हैं बाय कार। अब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले क्विक जल्दी से आंसर करने वाली हूँ। फिलहाल जो है मैं आई हूँ जम्मू से। जम्मू से जो नैनीताल का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 810 किलोमीटर है और हम यहाँ से हमें 15-16 घंटे लग गए। हम गुड़गांव में थोड़ी देर रुके, हमने थोड़ा हॉल्ट लिया, उसके बाद हम आए 3 बजे। हम कल निकले थे और हम उसी दिन सेम डे रात को 11 बजे हम नैनीताल पहुंच चुके थे। कोविड टेस्ट हो रहे हैं और जैसे कि अभी न्यूज़ में है कि 12 स्टेट्स जो हैं जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह जो भी स्टेट से जो आ रहे हैं उनके लिए जो PCR रिपोर्ट है वो मैंडेटरी है। तो टेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट होंगे आपके ज़रूर, एंट्री पे टेस्ट होंगे। ऐसे कोशिश कीजिए कि आप अपनी रिपोर्ट साथ रखें क्योंकि रिस्क लेना तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है और बाकी जो आसपास आपके कॉन्टैक्ट में उनके लिए भी। कि पहला आप बस से आ सकते हैं, बस से आप डायरेक्ट जो है आप आराम से दिल्ली से भी डायरेक्ट बसेस चलते हैं नैनीताल के लिए। दूसरा ऑप्शन आ गया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जो है सबसे क्लोजेस्ट जो है वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है और आप काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस जो रेल ट्रेन है वो पकड़ सकते हैं जो कि फास्टेस्ट ट्रेन है दिल्ली से। तीसरा जो है बाय एयरपोर्ट अगर बात करें तो सबसे क्लोजेस्ट जहाँ पे है वो पंत नगर है। पंत नगर एयरपोर्ट जो है आप बाय एयर भी आ सकते हैं। हम बाय कार आए हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा धांसू हुआ है। हम और हमारी धनों में इतना ज़्यादा मज़ा किया और पता नहीं क्यों रोड ट्रिप्स की बहुत ज़्यादा एडिक्शन सी हो गई है। सो ये भी हमारा रोड ट्रिप है, मतलब चल रहा है। निकले हैं, हमने चेकआउट कर लिया है। रात को अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो आप ऑनलाइन बुक करके चलिए और यहाँ पे थोड़ा पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है तो पार्किंग आपको देखनी पड़ेगी कि आपको पार्क कहाँ पे करना है क्योंकि पार्किंग का थोड़ा है यहाँ पे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप आ रहे हैं तो पहले ही अपने होटल्स और जो होम स्टे आप जो भी करवाना चाहते हैं वो पहले ही करवा लीजिए। तो गाइस लेट नहीं करते हैं, देरी नहीं करते हैं, मैं निकलने लगी हूँ यहाँ से आगे नैनीताल में। देखते साइट सीइंग, लोकल फूड, कुमाऊनी खाना, बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। सो जल्दी से निकलते हैं और जाके अभी सब्सक्राइब करो, देरी नहीं करना और कंजूसी भी मत करना। देखो भाई मक्खन में कोई वो नहीं होनी चाहिए। हाँ हिमालय पॉइंट करेंगे, हाँ केव गार्डन करेंगे, ठीक है, लवर सुसाइड पॉइंट, हाँ नैनीताल व्यू पॉइंट, हाँ सत्यनारायण जी का टेंपल, ठीक है, इको पॉइंट, हाँ और आपका बारा पत्थर, ठीक है, सुखा ताल, हाँ हाँ ठीक है ना, ये प्लेस है, ठीक है। सो गाइस अभी जो है हम हायर करने वाले हैं, गाड़ी हमारे साथ होगी तो 1000 रुपीज पे हमें कितनी जगह भैया घुमाएंगे इसमें? आपको 7-8 पॉइंट, 7-8 जगह, मतलब इतना इतनी जगह हमें भैया 1000 और साथ में गाड़ी गाड़ी के साथ भैया हमें जाएंगे। तो बस अभी हम वहाँ जाने हैं, खाना हमने खा लिया ब्रेकफास्ट,
उसके बाद हम आके करेंगे बोटिंग नैनीताल लेक में। और भैया आपका नाम क्या है? विजय चौहान। तो आप यहीं पे रहते हो? हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ, शादी भी मैंने यहीं से की है, उत्तराखंड से। क्या बात है, पहाड़न वाइफ है आपकी है? हाँ। हम भी ठाकुर है, वो भी ठाकुर है, नेगी। अच्छा तो भैया सबसे पहले कौन से जाना है, कहाँ जाना था पहले? सबसे पहले हमारा पहले तो हम फिर उधर को ही चलते हैं, इधर से बाद में कराएंगे। हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन वहाँ पे क्या मिलेगा? हिमालय दर्शन पे व्यू है। हाँ? और सर नारायण का मंदिर है। ठीक है। प्लस एक इको पॉइंट है। ठीक है। हाँ। अच्छा ये तीन जगह है वहाँ पे। हाँ। So guys, जो पहला जहाँ हमें अंकल सबसे पहले लेके आए हैं वो है हिमालय दर्शन, जहाँ पे आपको पीक्स और अलग अलग मंदिर घर और कुछ जो पीक्स हैं वो दिखाएंगे। सो ये जो चार्जेस ले रहे हैं ये ले रहे हैं 50 rupees पर हेड। सो देख रहे हैं हम, कुछ कुछ दिख भी रहा है पर जो व्यू है बहुत ज़्यादा धुंधला है। ये देखिए दिख रहा है पर थोड़ा लाइट है। तो ये तो हमारा पहला स्टॉप है। हिमालय दर्शन पॉइंट के पास ही सत्यनारायण जी का मंदिर भी है जो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर एक पहाड़ी पर है। यहाँ से भी आपको हिमालय पर्वतों का जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिखेगा। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस मंदिर पर भी ज़रूर आइएगा। हम अभी अंकल हम एक जगह रुकाया है जिसका नाम है इको पॉइंट। यहाँ पे भाई वो बोल रहे हैं कि आवाज़ बड़ी गूंजती है। तो सबसे पहले नितेश्वर ट्राई करेगा। ठीक है नितेश्वर, रेडी 1 2 3 गो। मेरी आवाज़ भी सच्ची में तबो नहीं है। नितेश्वर फेल हो गया फिर से। टीम रॉकेट फिर से हार गई। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। पता नहीं आवाज आई पर गूंज, पर वो अंदर ही अंदर खत्म हो गई। दो चिड़िया उड़ी वहां से। नासा। हाँ यतिन करेगा नासा। नहीं आया। यतिन तेरा नासा नहीं आया यार। देखो यार बीच में जो है एक मैंगो पॉइंट आता है। मैंगो पॉइंट इसलिए बोलते हैं यहाँ से जो लेक का व्यू दिखता है पूरा मैंगो शेप में, हल्का सा ना धुंधला है थोड़ा सा, पता नहीं यार थोड़ा ही। आगे चलते हैं और अभी हमने नैनीताल लेक पे हम गए नहीं है, वहाँ चलते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गो। ये सूखा ताल जगह है ये। हाँ यहाँ कितनी भी बारिश हो जाओ यहाँ पानी नहीं रुकता है, इसलिए इस जगह का नाम सूखा ताल रखा गया है, इस आबादी का नाम भी। है हम आए हैं सुसाइड पॉइंट। सो गाइज ये है सुसाइड पॉइंट। इन्होंने ना छोटी छोटी जगहों को कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, जैसे सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट और इको पॉइंट। मतलब एक्चुअल में ये छोटी छोटी जगह पर इन्होंने ना एक पूरा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया हुआ है। पर अच्छी चीज़ ये है कि टूरिज्म को बहुत अच्छे से हर जगह वो कर रहे हैं, छोटी छोटी जगहों को भी, पर काफ़ी अच्छा है। सो ये देखिए व्यू थोड़ा अच्छा है यहाँ का। वो तो यहाँ पे बहुत से कपल्स हैं, आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ड्रेस डाल के फोटो खिंचवा सकते हैं बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल एकदम। ये नितेश्वर जी हमारे साथ, नितेश्वर जी जाएंगे मुक्तेश्वर। यो ब्रो मैं तो जा ही रहा हूँ। केव गार्डन है और मुझे ज़्यादा लग रहा है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, घूमने के लिए बहुत अच्छा, पर हम फिर भी आ गए। हमने कहा चलो देखा आते हैं, टाइम है हमारे पास। टिकट्स जो है 60 पर पर्सन एडल्ट्स की और छोटे बच्चों की 25। देहरादून में गए थे पर वहां पे बस फर्क ये था कि वहां पानी था और यहां पानी नहीं है।
सफोकेशन हो जाती है, मैं ना घबरा जाती हूँ, पर ठीक है लाइट्स अंदर है, आप आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और केव के लास्ट में, केव के लास्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई यार। ये बैट केव बहुत गंदी वाली केव है, रेंग को जाना पड़ेगा यहाँ से। ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं, मैंने स्टार्ट में बोला था बच्चों वाली है, नहीं भाई उन लोगों के लिए तो छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं। अभी जो है मागे लेक के पास इतना घूम फिर के, मतलब हमने अच्छे से अपना दिन जो है स्पेंड कर लिया है। अब हम सोचे मोमोज खाते हैं, तो मोमोज के लिए ये छोटा सा स्टॉल है यहाँ पे आंटी का। मसाला बड़ा खतरनाक डाला आंटी ने, सिंपल नहीं है। मोमोज खाते हैं उसके बाद हम बोटिंग करने चलेंगे। बोटिंग का जो टाइमिंग है 6:30 तक है, 6:30 से पहले पहले हम बोटिंग करके, आज हमने मुक्तेश्वर को निकलना है और उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट में देखना पड़ेगा। फिलहाल आप देखिए हमारा बोटिंग का, और ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और इतनी प्यारी हवा चल रही है ना यहाँ पे, जब बोट एकदम स्टिल हो रही है ना एकदम एक जगह पर, बड़ी प्यारी हवा एकदम ठंडी ठंडी। हाँ हाँ ये देखिए नैनीताल लेक के बिल्कुल पास है नैना देवी टेम्पल। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था तो उस समय सभी को न्योता दिया गया था सिवाय शिव और सती के। इस बात से क्रोधित होकर सती माता वहां गई और उसी यज्ञ में कूद गई। उसके बाद शिव जी ने तांडव किया पूरी पृथ्वी पर माता सती के शरीर को लेकर, और जहाँ जहाँ उनके बॉडी पार्ट्स गिरे थे वहाँ वहाँ बने शक्तिपीठ, और वैसे ही जहाँ पर उनके नयन गिरे, नेत्र गिरे, वहाँ पर बना नैना देवी टेम्पल। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुक्तेश्वर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।